तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी ब्लॉग। ये आपके लिए KTM 250 का बिल्कुल न्यू कलर, बिल्कुल अपना जो ब्लू एडिशन आया है उसका, अपनी KTM 250 में बहुत बढ़िया लग रही है कलर। थोड़ा यहाँ पे मैट फिनिश, थोड़ा यहाँ पे डार्क ब्लू ग्लॉसी में, मतलब कलर कॉम्बिनेशन के साथ KTM पूरी तरह खेलने की कोशिश कर रहा है और मतलब अच्छा कर रहा है, कुछ कुछ जगह पे अच्छा कर रहा है। जैसे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा एलॉयज में थोड़ा ऑरेंजिश ना करे, थोड़ा कुछ अलग करते तो अच्छा लगता। बाकी वो वाइट है KTM 125 का, वो मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आया, अटपटा से लगा। बाकी स्टार्ट करते वीडियो। बाकी ऐसे ऐसे कुछ अपनी KTM 250 कम्प्लीट वॉक अराउंड आपको वीडियो इसमें आपको अगर स्टार्टिंग से लेते हैं, ऐसे से कुछ लाइट्स मिल जाती हैं। DRL तो आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको हेडलाइट ही मिलेगी आपको LEDs में, ठीक है। जो 390 में आपको कंप्लीट यहाँ पे DRL मिलती है, वो सब आपको नहीं मिलेंगे इसमें। और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, जस्ट डबल साइड यहाँ पे LED का स्विच लगा रखे, उसी से आपको हेडलाइट मिलेगी। आप देख सकते हैं ऐसे में दे रखा है। यहाँ पे आपको अंदर हाउसिंग मिलती है, तो मैं आपको यहाँ पे अंदर हाउसिंग मिलती है, जिससे ये रिफ्लेक्टर के थ्रू होके बाहर आते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों के हिसाब से, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ बाइक है यहाँ पे, आपको मैट में आपको यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक में मिलता है सारा सेटअप। यहाँ पे ब्लूइश दे रखा है ब्लैक में, मडगार्ड आपको पूरा ब्लैक में मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको WP एपेक्स सस्पेंशन मिलती है, वही 43mm के सस्पेंशन मिल जाते हैं, USDs हैं ये। बाकी 17-inch के अलॉयज मिल जाते हैं, जैसे आपके ट्यूबलेस रहते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर वेट वगैरह भी लिखा हुआ है, 3 किलो के आसपास इसका वेट है और सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें सेटअप। बाकी यहाँ पे आपको अपना MRF के ही मिलते, नहीं MRF नहीं है ये, हाँ MRF के स्टील ब्रेसेस टायर है, देख सकते हैं यहाँ पे MRF के हैं ये और स्टील ब्रेसेस टायर है। और जो साइज़ है इनकी 110/70/17 आती है, स्टील ब्रेसेस टायर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा रहा, मतलब ग्रिप्स के मामले में बहुत अच्छा कहा जाता है। MRF ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है तो उसके साथ आती है ये स्टील ब्रेडेड टायर्स है। थोड़ा वेट बढ़ा देती थी बाइक का, पर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी स्टील ब्रेडेड टायर्स में। सबसे पहले स्टार्ट किया था अपोलो ने, अपना जो अपोलो H1 करके आते थे स्टील ब्रेडेड में। बाकी उसके बाद MRF भी ले आया, शायद C8 भी ले आया है। बाकी यहाँ पे आपको WP के साथ यहाँ पे भी आपको लोगो मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे आपको एपेक्स का वो लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, ब्रेम्बो के टायर्स मिल जाते हैं, ये ब्रेकिंग सेटअप मिल जाता है, 45mm आपको वो मिल जाता है, अपना एलो का साइज़ मिल जाता है। बाकी ऐसे से कुछ लुक है, आपको थोड़ी खोखली से लग रही होगी, पर ब्रेकिंग बिल्कुल खोखली नहीं होगी, ये KTM हमेशा से ये चीज़ ध्यान रखता है। बाकी यहाँ पे आपको WP के यहाँ पे भी आपको लोग वो मिल जाती है ब्रांडिंग, बट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, 390 में सिर्फ आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। बाकी अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर थ्रॉटल ट्यूब अच्छी मिल जाती है क्वालिटी की। बाकी यहाँ पे आपको हैवी आपको वो मिल जाता है वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन कम करने के लिए हैंडल की। बाकी यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सेटअप मिल जाता है, एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगा लीवर्स, बट आपको सही अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल का लीवर वो मिल जाता है टोटल। बाकी यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है 250 में। यहाँ पे सारा सेटअप मैम मीटर से रिलेटेड, यहाँ पे आपको 1000 लाइट का स्विच मिल जाता है, जो कि अगर स्टार्ट करूँ तो आप वैसे आप दबाएंगे ऑटोमेटिकली चारों आपको इंडिकेटर्स चल जाएंगे। आप देख सकते हैं 1000 आपको बाहर से लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारी अब कंपनी आपको देती है। बाकी ऐसे से कुछ मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको LED मतलब डिस्प्ले नहीं मिलेगी, जैसे अपन 390 को मिलती है वैसे नहीं मिलेगी, नॉर्मल सा डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे टाइम वार्निंग वगैरह साइड स्टैंड, अभी जैसे साइड स्टैंड पे है उसकी वार्निंग मिल रही है अगर मैं हटाऊँ तो। फ्यूल रिजर्व का आ गया कि फ्यूल कम है ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली ये शोरूम पे खड़ी है तो फ्यूल कम ही रहता है। वहाँ पे आपको यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है, कूलेंट का टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है, किलोमीटर स्पीड मीटर मिल जाती है, यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ऑडो मिल जाता है, रियर व्हील ABS आप ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। बाकी आप ऑप्शन देखिए तो ट्रिप वन की आपको सारी डिटेल मिल जाती है, जिसमें आपको एवरेज स्पीड एवरेज आपको वो क्या मिला, फ्यूल कंजप्शन आपको कैसे मिला, मतलब 7.6 लीटर पर 100 किलोमीटर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है कंप्लीट, वो 100 KMP मतलब फ्यूल पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं आ रहा। बाकी टाइम मिल जाता है कितनी देर आपको फ्यूल अपने ट्रिप वन में चलाइए उस हिसाब से। बाकी अगर इसको नीचे करते ट्रिप टू में भी सेम आपको ऑप्शन मिल जाते हैं,
बाकी बस इतना ही है, बाकी नीचे रेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, बस इतनी ही चीज़ें हैं ट्रिप वन और ट्रिप टू में। बाकी यहाँ पे मेन्यू में जाते हैं तो आपको ABS रोड और सुपर मोटर रखनी है, रोड और सुपर मोटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे इतना ही है। रोड में आपको दोनों डुअल चेन ABS ऑन रहेंगे, सुपर मोटर में आपका रियर जो व्हील का ABS है वो बंद रहता है। बाकी अगर बाइक इन्फो में जाते हैं तो सारा इंजन टेम्परेचर कितना है, रेंज कितनी बाकी है, बैटरी का कितना वोल्टेज है, ऑडोमीटर कितना है, सर्विस का सर्विस ही कितने किलोमीटर्स बाकी है, वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 1000 किलोमीटर्स पे है, डेट भी आपको लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह सब कुछ आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी वार्निंग के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे कि किस चीज़ का वार्निंग आ रहा है, फ्यूल लेवल हो रिफ्यूल करके ये वार्निंग आ रहा है आपका। बाकी बस ये बाइक इन्फो में इतना ही आता है, ट्रिप इन्फो में तो आपको दिखा दिया, ट्रिप वन और ट्रिप टू का इन्फो आ जाता है जो बाहर दिख भी रहा है। ऑडियो प्लेयर हम बाकी आपको यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपका वो लगा रखा, आपने इंटरकॉम लगा रखा है तो इंटरकॉम के साथ आपका डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, ऑन द को आपको कॉल मैसेज सब कुछ आपको डिटेल बताएगा यहाँ पे, प्लस आपका ऑडियो का भी हो सकता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉज प्ले का वो नेक्स्ट और वॉल्यूम का मिल जाता है, यहाँ पे पॉज प्ले का मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्रीवियस सॉन्ग का मिल जाता है, यहाँ पे बैक करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी लैप टाइमर आप ऑन कर सकते हो कि लैप अगर कहीं पे आप ड्राइव कर रहे हो कुछ तो लैप टाइमर आप ऑन कर सकते हो। बाकी सेटिंग आ जाता है, सेटिंग में आप देख लेते हैं, सेटिंग में फेवरेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रिप वन कौन मतलब कौन कौन से आपको फेवरेट्स में बाहर रखने हैं वो सब आप आ जाता है। यहाँ पे आपको सिलेक्टर आ जाता है, कुछ क्विक सिलेक्टर 1 और 2 का अप डाउन का। बाकी कनेक्टिविटी का ऑप्शन जो है यहाँ पे फ़ोन पे ब्लूटूथ फ़ोन पेयरिंग हेडसेट पेयरिंग सब कुछ आप कर सकते हो, मतलब फ़ोन से अलग पेयर हो जाता है और हेडसेट से अलग पेयर हो जाता है, तो उससे आप दोनों चीज़ पेयर करके अपना कनेक्शन रख सकते हैं। बाकी अगर बैक जाते हैं तो यहाँ पे क्विक शिफ्टर प्लस आ जाता है, मतलब आपको क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो पायलट दोनों चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं यहाँ से आप अपना। बाकी शिफ्ट लाइट यहाँ पे आपको रखने हैं कि कितने RPM में जाके शिफ्ट लाइट आपको चले, वो सारा ऑप्शन मिल जाता है। बाकी क्लॉक एंड डेट सेटअप करना है, टाइम यूनिट्स 21 यूनिट्स में आपको रखना है, डिस्टेंस टेम्परेचर कंजम्पशन यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आ गया आपका लीटर पर 100 किलोमीटर, लीटर किलोमीटर पर लीटर, और ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से चेंज वगैरह, अच्छा ऑप्शन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है चेंज करने का ऑप्शन। बाकी एक्स्ट्रा फंक्शन में अगर जाते हैं तो उसमें EPS मोड का ऑप्शन आ जाता है, ऑडियो और कॉल इन, ये पता नहीं क्यों नीचे जा रहा कर रहा हूँ तो ऊपर चला जा रहा है पता नहीं ये बार बार इसी मोड पर आ रहा है पता नहीं क्यों। बाकी सारी चीज़ें ऐसी है और कुछ है नहीं इसमें, सारी सेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी मतलब बेशक आपका ये इतना वो नहीं है जैसे 390 में डिस्प्ले आती वैसे नहीं, बट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ दी गई है और लैग बिल्कुल नहीं करता, बटन के हिसाब से सही करता, बटन भी इसके काफ़ी अच्छे मतलब फीडबैक अच्छा आता है। बाकी यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको की स्लॉट मिल जाता है, बाकी ऐसे से कुछ आप फ्यूल कैप मिल जाता है। क्वालिटी डे बाई डे KTM अपनी अच्छी करी जा रही है बॉडी वाइज, बट थोड़ा बहुत आप अगर देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत बॉडी में अभी भी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गैप है जो प्रोपोर्शनेट नहीं है, यहाँ पे जाके आगे जाके बढ़ जाता है तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, थोड़ा बहुत पैनल गैप्स वगैरह है अभी भी, बाकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अगर बजाज के साथ अगर आप कंपेयर करो। बाकी यहाँ का जो नट है पहले के हिसाब से चेंज कर दिया गया है, थोड़ा ओवल नट है कि कोई ऑन द गो खोल ना सके। बाकी यहाँ पे आपको स्विच मिल जाते हैं, सारी मीटर से रिलेटेड स्विच है, यहाँ पे आपको 1000 स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको पीछे पासिंग और हाई बीम का स्विच मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। बाकी आपको बता दिया है सारा, क्लच मिल जाता है। बाकी इसमें आपको जो 250 और 390 जो अभी नई बनाई गई है उसमें आपको नए तरीके के आपको रेव मिल गए हैं, जिसमें आपको वाइब्रेशन पहले के हिसाब से और कम मिलती है और इनकी क्वालिटी भी हार्ड है मतलब हैवी है क्वालिटी में दिया गया है। बाकी अगर पीछे इधर जाता है तो टैंक आ गया आपका 14.5 लीटर का टैंक आ जाता है आपको, वही सेम KTM की बेजिंग आ जाती है, मैट ब्लू कलर जैसे आगे आपको मिला था वैसे मिल जाता है। अगर नीचे की तरफ तो देखते हैं तो ये भी थोड़ा आपको ब्लैकिश सा लगेगा, बट है तो ब्लू ही आपका, उससे थोड़ा डार्क ब्लू है बट ये शाइनिंग में है, ये प्रॉपर मैट है, उसमें ड्यूक के लोगो ड्यूक का आपका वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको 250 लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए कलर कॉम्बिनेशन अच्छा खेला गया, बट ये कलर लेटर ही बहुत अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा एलॉय में ब्लू या ब्लैकिश रखा जाता ना तो बहुत अच्छा लगता। बाकी यही सेम कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैट में फ्लैप फिनिश मिलेगा। सीट्स पहले हिसाब से कुछ नहीं रखी गई है बट हाँ थोड़ी हार्डर साइड में है और इसका स्पेस भी अच्छा रखा गया, अगर आप पहले वाले KTM से कंपेयर करो
तो इसमें स्पेस भी अच्छा रखा गया, कुशनिंग भी अच्छी रखी गई है पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। बाकी ग्रैबलेस अभी भी अच्छे मिलते हैं, पहले वाले ग्रैबलेस थोड़े लंबे थे बट इनमें यहाँ पर गैप कम था, इसमें यहाँ पर गैप अच्छा रखा गया है। बाकी पीछे टेल लाइट मिल जाती है, ये भी आपकी कंप्लीट LED में मिलती है, आपको दिखाता हूँ मैं, कंप्लीट LED में मिल जाती है, टी शेप है। बाकी अगर ब्रेक दबाऊँ तो आपको नीचे वाले ये दब जाएंगे। और इंडिकेटर्स की आपको मैं बात करता हूँ तो आपको नीचे इंडिकेटर्स ही स्टार्टिंग से लेकर आज तक यही इंडिकेटर्स की टीम यूज़ करता आया है, और बजाज को भी दी है, बजाज में भी डोमिनार वगैरह में यही यूज़ हो रहा है। अब तो लगभग बजाज पल्सर सीरीज में भी आ चुके हैं LED इंडिकेटर्स, वो भी सेम है, यही इंडिकेटर्स आते हैं। बाकी आपको पहले जो आपको टेल मिलता था वो सिर्फ इतना मिलता था, अब इन्होंने यहाँ से भी दे दिया कि पानी वगैरह या कीचड़ वगैरह बारिश के टाइम पर ना आए। बाकी आप देख सकते हैं LED का वो मिल जाता है, मीटर लैम्प रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा चौड़ा रखा गया, अच्छी बात है, पहले हिसाब से पतला नहीं रखा गया। बाकी आप कर देते बाइक बंद और पीछे की तरफ, ओहो बाइक बंद करने के बाद भी आपके ये जलते रहेंगे, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। देखता होगा मैं लॉक करके, लॉक कर देता एक बार, अच्छा ऐसे लॉक नहीं होगी। लॉक होने के बाद भी आप देख सकते हैं इंडिकेटर चालू है, कि मतलब वार्निंग दिखा रहा है कि बाइक में कोई इशू है जिसकी वजह से ये चलाया गया है हज़ार्ड, तो आपके ये बंद नहीं होंगे, ये राइट बैटरी से हो रखे हैं, आपको चालू करने के बाद ही कंप्लीट बंद करने पड़ेंगे तब जाके आपका हो पाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कि पता चले कि मतलब बाइक बंद करने के बाद भी आप स्विच के थ्रू बंद कर सकते हैं, जैसे अब ये किया नहीं बंद होगा, आपको कंप्लीट ऑन करके ही आपको बंद करना पड़ेगा। अच्छा से एज ए सेफ्टी पार्ट अच्छा रखा गया है। और अगर पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क मिल जाता है वापस, ये आपको इसमें RLP ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है, बाकी डोल चेन भी आपको मिल जाता है इसमें सारा सेटअप। बाकी यहाँ पे आपको MRF के वही स्टील बेस्ड टायर मिल जाते हैं, जिनकी साइज़ है देखते 150/60 R17 टायर्स मिल जाते हैं, रियल टायर्स है प्लस स्टील ब्रेडेड है, जिनकी ग्रिप्स अच्छी गाई जाती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग भी करी गई है MRF की तरफ से, कितना लेवल तक आप लीन करें, लीनिंग एंगल्स आ जाएंगे ये। और इसमें आपको मून का भी थोड़ा इफेक्ट दिया गया है कि मून यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे फुल मून आ गया, वैसे भी आपको मतलब थोड़ा एक अलग सा करने की कोशिश किया गया है MRF की साइड से, अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे आपको सारी कार्ड मिल जाता है, रेयर फुटरेस्ट मिल जाता है, क्वालिटी अच्छी रखी गई है। बाकी नीचे आपको सेवर एल्यूमिनियम स्क्रूइंग आर्म मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्रंट का रेयर फुटरेस्ट मिल जाता है, नीचे आपको 6 फीट का गियर बॉक्स मिल जाता है। बाकी अब बचा जो मेन हार्ट ऑफ द मैटर, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है 250 का नया LG 4C इंजन, जो कि आपका है 249.07 cc का, जिसका मैक्स पावर निकलता है 31.5 BHP 9250 RPM पे, और मैक्स टॉक निकलता 225 Nm 7250 RPM पे। इसी कंपनी क्लेम तो करती है 35 kmpl की, बट ऑन ग्राउंड आपको वही 25-30 के बीच में मिलनी चाहिए। बाकी इसका जो कव वेट है कंप्लीट बाइक का वो 162 kg के आसपास है, तो इसका आपको एक शोरूम प्राइस जो है 240 के अप्रोक्स पड़ेगा। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो आप स्टेट टू स्टेट आप वेरी कर सकता है बाइक के साथ। और अगर ऑन रोड दिल्ली की बात करते हैं तो 274 या मान लो अप्रोक्स ये पड़ता है 274 में। ऑल द मतलब ऑल इन वन बाइक बहुत अच्छी बनाई गई है, बट और जो इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं मतलब फीचर्स वगैरह और सब चीज़ वो भी अच्छी दी गई है, पार्ट की क्वालिटी अच्छी रखी गई है, बट सर्विस वगैरह वैसे भी आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो अब आपके ऊपर है ये लेना है या इसके जगह पर कोई और लेना है। बाकी मतलब जो प्राइसिंग के हिसाब से चीज़ें प्रॉपरली KTM की तरफ से दी गई हैं। बाकी लिक्विड कूल इंजन है यहाँ पे, आपको एयर इनटेक प्रॉपरली दिया गया है इंजन पे, एयर फिल्टर का बॉक्स वगैरह चेंज हो चुका है, ये मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार वही चीज़ें बता के फ़ायदा नहीं। तो बाकी इस वीडियो इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप KTM द्वारका को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एड्रेस मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ। और अगर मेरे से कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो आप मेरे को वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बाइक को अगर आपको चाहिए कि कोई और डिटेल
कोई इन्फॉर्मेशन या आपको इसके साथ किसी का कंपैरिजन भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसका कंपैरिजन जल्दी ले आऊँगा। और भी आपको कोई बाइक अलग से आपको किसी बाइक का कंपैरिजन या डिटेल चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, उनको ये कमेंट सेक्शन में या फिर अपना इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी उस बाइक की भी डिटेल लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया से कमेंट कर देना, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच।